हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आवाज मेरी आपको जरा नेजल लगेगी इस वीडियो में, ऐसे लग रहा है मैं नाक में बोल रही हूँ, लेकिन मेरा गला खराब है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आपने अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी, ऑर्डनरी के कुछ सीरम्स, और मुझे काफी टाइम से एक अच्छी सी सनस्क्रीन चाहिए थी जो मुझे मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे, क्योंकि समटाइम्स मैं सूरज में बैठ के वीडियो बनाती हूँ और फिर आपका जो सूरज स्किन का हाल करता है वो आपको पता ही है, स्किन डैमेज हो जाती है। तो मुझे काफी टाइम से एक अच्छी सी सनस्क्रीन चाहिए थी और मैंने सनस्क्रीन ऑर्डर कर दी। मैंने सनस्क्रीन ऑर्डर की ये देख के कि यार चलो अच्छी होगी क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है, तो मैंने प्राइस देख के सनस्क्रीन ऑर्डर कर दी। मैंने उसके इतने खास रिव्यूज नहीं देखे थे, मुझे रफ आइडिया था कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि इस सनस्क्रीन के रिव्यूज अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कितनी ही बुरी हो सकती है। मैंने बैठ के ऑर्डर कर दिया, फिर मेरा ऑर्डर आ गया और इसको मैंने लगाने की इतनी कोशिश की। मैं आपको ना पहले दिखा देती हूँ मैं किस सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जी इस सेरावी की सनस्क्रीन की। इसके ऊपर लिखा है ये हाइड्रेटिंग मिनरल सनस्क्रीन। बहुत कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको ना ये सनस्क्रीन यूज करके दिखाती हूँ, फिर आप खुद जज कीजिएगा कि टिक है या क्रॉस है। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये मैंने खरीदी थी 4500 रुपीस की और बहुत सारी जगहों पे मैंने इसकी प्राइस चेक की। उसके बाद ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे 4500 से लेके 6500 तक यहाँ पे पाकिस्तान में मिल रही है, मतलब 5-6-7 हजार तक की सनस्क्रीन। अब मैं इसको ना आपके सामने यूज करूंगी, आपके सामने जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं ना, ऐसे एक फिंगर, फिर उसके बाद ये हमारी आ गई जी दूसरी फिंगर, ठीक है। इतनी सनस्क्रीन लगाते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो अच्छे हैं, ठीक है। इसके अंदर नायसिनेमाइड है, स्किन के लिए जबरदस्त इंग्रेडिएंट है, लेकिन सिर्फ इसके ना इंग्रेडिएंट्स ही अच्छे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये इतनी क्वांटिटी मैंने ली है और ये ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, इतनी क्वांटिटी में और सनस्क्रीन की भी यूज करती हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ यार। अभी अभी देखें आप, अभी मुझे आप चिट्टा भूत बनते हुए देखें। वैसे सेरावी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी, इनके क्लिंजर्स बहुत अच्छे हैं, इनका मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ बहुत अच्छा है। इनकी ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये आखिर इन्होंने बनाया क्या है, ये क्या है। ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती ही नहीं है, आप अपनी स्किन की जितनी मर्जी मालिश कर लें, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये ब्लेंड नहीं होगी। एक होता है ना कि सनस्क्रीन है उसकी व्हाइट कास्ट है, तो चलो कोई गल नहीं, वो आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाती है, लेकिन ये आपकी स्किन पे ब्लेंड ही नहीं होती। स्किन के ऊपर ऐसे लगता है जैसे चिट्टे चूने की दीवार होती है ना, कसम से लगाने के बाद वही वाली फील आती है, मैं आपको बता रही हूं। ये देखे जरा, इसको तो आप अपनी बॉडी पे भी नहीं यूज कर सकते, आप देखे सही, मार खप जाएंगे इसको ब्लेंड करते करते, लेकिन ये आपकी स्किन पे ब्लेंड नहीं होगी। ये आपकी आईब्रोज के अंदर फंस जाएगी, ये आपके इधर बालों में फंस जाएगी। इसको लगाने के बाद ना मुझे ऐसे लगने लग गया, मैंने कहा है मेरे यहाँ पे भी वाइट बाल आ गए हैं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ओ मैंने तो ये वाली सनस्क्रीन यूज की थी, तो यही वाली सनस्क्रीन मेरे बालों में फंस गई है, सारी आईब्रोज के अंदर, आई लैशेस के अंदर। आप यकीन माने कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लपाती वाला सीन है, इसकी लेप ही की ऐसे ही लग रहा है। ओ गॉड, ऐसा लगता है जब आप इसको ब्लेंड करते हैं कि जैसे आप ना ग्लू लगा के, गम लगा के अपनी स्किन पे ऐसे ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं, सेम ये उस तरह से आपकी स्किन पे फील होती है। आप देख सकते हैं, देखें ऐसी अजीब सी ना गम सी बन जाती है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना तो 1% भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, ना हाथों के अंदर एब्जॉर्ब हुई, ना नेक पे एब्जॉर्ब हुई। नेक पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम लगाई थी, मुंह पे तो बिल्कुल ही। आप इसको
आधा घंटा भी बैठ के ब्लेंड करते रहेंगे ना, मैंने कोशिश की है लेकिन ये ब्लेंड नहीं होगी। तो ये इस सनस्क्रीन का सीन है, मैंने अपने 4500 रुपए इस पे जाया कर दिए हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि यार चलो पैसे लगाए, हम देसी लोग हैं, हम ये सोचते हैं चलो किसी चीज पे पैसे लगाए हैं तो इसको यूज कर करके देखते हैं शायद काम कर जाए। और मैंने भी ऐसे ही किया, एक दफा, दो दफा, 10 दफा इसको मैंने 10 दफा यूज करके बार बार ट्राई करने की कोशिश की कि शायद शायद मेरे पैसे जाया ना हो, लेकिन ये काम नहीं किया और मेरे पैसे जाया हो गए। तो अगर आप कहीं पे ये वाली सनस्क्रीन देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो ये मत लीजिएगा। इनकी SPF 30 टिंटेड सनस्क्रीन है, उसके रिव्यूज मैंने देखे हैं, वो अच्छी है। इसकी बजाय SPF 50 की बजाय आप SPF 30 ले सकते हैं टिंटेड सनस्क्रीन, ये वाली इसको अवॉइड करें। आंटी नॉनलेस आपको ऐसा मुंह नहीं चाहिए ऐसा मुंह किसी को भी नहीं चाहिए यार किसी को भी नहीं चाहिए। ये पता नहीं किसके लिए बनाई है, ऐसा ऐसे मैं बर्फानी तोदा सा लग रही हूँ, जो व्हाइट वाले भालू होते हैं वो वाली फील आ रही है। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म। ये छोटा सा रिव्यू था, या फिर आप ये सोच लें कि मैंने ना अपना गुस्सा निकालना था कि मैंने पैसे लगाए इस प्रोडक्ट पे और ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकली। मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, मे भी आप में से कोई लेने का सोच रहा हो और मेरे कहने पे या मेरे दिखाने पे फिर उसके थोड़े से पैसे बच जाए। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे नहीं पता कि इस चीज को मैंने कैसे उतारना है, ऐसे लग रहा है कसम से गम चिपट गई है मेरे मुंह पे, पसीना आ रहा है इसको लगाने के बाद मुझे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। ऑल्सो ये सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। मैं जरा मुंह धोने गई थी तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा यार ये तो पानी लगाते ही फौरन से उतर जाती है, ये पॉइंट मैं बताना भूल गई थी। तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है ये। और इस वीडियो के लिए आप देखें, ये देखें मैंने स्पेशल बैठ के ये नेल पॉलिश भी लगाई थी, लेकिन मेरा मूड ही खराब हो गया।